खबर है बलिया से। रसना नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी होने के बाद अब टिकट के लिए घमासान मच गया है। संभावित उम्मीदवार टिकट के लिए बड़े नेताओं की गणेश परिक्रमा करनी शुरू कर दिए हैं। कौन किस पार्टी का प्रत्याशी होगा, इसको लेकर अटकलों में बाजार गर्म हो गया है। इसके बाद उम्मीदवार अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। आदर्श नगर पालिका परिषद रसना का चुनाव निसंदेह इस बार कई मायनों में बेहद अहम होगा और इस वर्ष भी चेयरमैन पद पर कादिस वशिष्ठ नारायण सोनी व मोती सोनी मत देना आसान नहीं होगा। विकास के मायने में निश्चित तौर पर रसना नगर पालिका बेमिसाल है और इस उपलब्धियों के लिए जनता इस बार भी वर्तमान अध्यक्ष को एक बार मौका दे रही है। रसना नगर पालिका परिषद चुनाव में विकास बनाम समाज सेवी के तौर पर नापा जा रहा है। रसना नगर पालिका परिषद में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रसना नगर पालिका पूर्वांचल में खास मुकाम बना चुकी है और निश्चित तौर पर इसे इस मुकाम पर पहुंचाने वाले अध्यक्ष को जनता एक बार मौका देने का प्रयास जरूर करेगी। इससे सभासद प्रत्याशियों का भी भरमार है। हर पार्टी के चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी जिला अध्यक्ष को अपना आवेदन दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरक्षण के बाद मायूस हुए कुछ लोग आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति भी दाखिल करने को मूड बना रहे हैं। भाजपा में आवेदन देने वाले वरिष्ठ नारायण सोनी व गोपाल जी सोनी मुख्य हैं। बहुजन समाज पार्टी के विनय शंकर जायसवाल व गणराजेश गुप्ता सभी की निगाहें बसपा विधानमंडल के नेता विधायक उमा शंकर सिंह की तरफ भी लगी हुई है। बलिया से आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। हमारा परिचय ये है कि जलपा स्थल में हम आते हैं। क्या नाम पड़ेगा? चुनाव का मौसम चल रहा है, क्या आपको लग रहा है 25 सालों का विकास दिख रहा है? विकास तो दिख ही रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार कैसी लड़ाई रहेगी? लड़ाई तो ठीक ही है, अपने में देखना पड़ेगा। आपका क्या विचार है? हमारा तो विचार है कि 25 साल से साथ ही रहे हैं, साथ ही रहेंगे। तो भरपूर सपोर्ट है।